मैं आपको बताना चाहूंगा, उलमा मौजूद है, जिम्मेदारान कौम और मिल्लत मौजूद है, मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव से पहले साबिर भाई के पास लोग आए थे, आकर साबिर भाई से ये कहा था कि साबिर तीन एमएलए हैं, इनका देख ले यार कुछ करेंगे। तो साबिर भाई ने कहा था कि ठीक है तैयार हूं, मैं बात करेंगे। तो साबिर भाई ने अपनी अपना दिल बड़ा करके कहा था कि राजकोट में कौन सी सीट है, वंकरा, वाकानेर, और यहां की सीट दरियापुर की मंजलिस कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी। जमालपुर से साबिर साहब ने कहा, क्योंकि मैं दो मर्तबा के एमएलए हूं, मैं वहां से लड़ूंगा और पार्टी ने मुझे कह दिया है, ऐलान कर दिया है। तो वो लोग बोले नहीं नहीं तुम तीनों भी नहीं लड़ना। अब आप बताइए तीनों भी नहीं लड़ना का मतलब क्या है? हमारे कॉरपोरेटर हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम रुके रहे, इसीलिए हमने लाला के नाम का ऐलान आखिरी वक्त में देर से किया। लाला बहुत नाराज हो रहे थे, लाला पठान है, उनका पारा ऊपर जा रहा था। ए साबिर भाई क्या हो रहा है? मेरे सामने आकर लाला अपने स्टाइल में, मैं लाला सबर करो जी साहब, आपने कह दिया। फिर लाला अपने घर को भी बुलाए थे, हमको खाना वाना खिलाए। फिर लाला ने जाते वक्त पूछा कि साहब कुछ याद है नहीं है? मैंने कहा बहुत याद है, ठहरो अभी। हमने तो मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि आओ, तुमने कहा था हम तैयार थे, मगर आपने कहा कि नहीं, आपका गुरूर इतना है कि तीनों छोड़ दो। अरे कल तुम बोलोगे कि अहमदाबाद से मजलिस को हटा लो, गुजरात में इलेक्शन मत लड़ो। कोई बात अगर करता है तो वाजबी बात करनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी को उनके जिम्मेदार आकर साबिर भाई से मुलाकात किए थे। मैं आपके सामने रखना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि बार बार ये कहते बीजेपी बीजेपी बीजेपी, 27 साल से आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, आप क्या हरा पाएंगे बीजेपी को? अच्छा, मैंने 14 कैंडिडेट का हमने ऐलान किया, 14। कल बापूनगर से हमारा एक कैंडिडेट था जिसको कांग्रेस के लोगों ने उसको खरीद लिया। मालूम हुआ नहीं मालूम कि उसको 25 लाख रुपए में उसने अपना जमीर बेच दिया और कैंडिडेट को विड्रॉ भी करा लिया। अब आप बोलिए इनकी यह हरकत क्या है? यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस वाले अपने आप को बेचने को भी तैयार हैं और खरीदने वाले भी हैं ये लोग। मैंने बापूनगर में जाकर जलसा किया, उस कैंडिडेट के लिए जनता से अपील की कि वोट दो। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं बापूनगर की जनता को क्या सूरत दिखाऊंगा जाकर, मगर आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया, आपने उसको पैसे देकर या जो भी है लॉलीपॉप देकर खरीद लिया, वो कांग्रेस में चला गया। अब कांग्रेस पार्टी से पूछो आप तो बोले नहीं 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 हम ये सब काम नहीं करते। क्यों, तुम क्या दूध के धुले हुए? वो कैसे भागा? वो आप एक घंटे में विड्रॉ भी करता है और दूसरे आधे घंटे में कांग्रेस का वो कपड़ा डालकर गुलामी का अपने कैंडिडेट के सामने खड़ा हो जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाह रहा हूं कि तुम सबको खरीद लो जो बिकना चाह रहा है, जो अपना जमीर बेचना चाह रहा है उसको तुम खरीद सकते हो, मगर याद रखो मैं जान देने के लिए अहमदाबाद को आया हूं, मैं अपना खून का खतरा यहां पर बहाने को आया हूं, मैं अपने आंसू बहाने के लिए आया हूं, मैं अपना पसीना बहाने को आया हूं। कांग्रेसियों याद रखो, मैं अपने मकसद के लिए इस राह में मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मेरी आवाज अगर बंद होगी तो मौत मेरी आवाज को बंद कर सकेगा। आप खरीदेंगे जो बिकता है, खरीदो जो बिकता है, तुम उसको खरीदो। मगर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर तुम ये कहोगे तो तैयार हो जाओ उस दिन
जब सबका हिसाब किताब अल्लाह करेगा। अरे तुम मुझे क्या खरीदोगे, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि उस बेवकूफ ने अपना जमीर बेच दिया। अगर वो साबिर भाई को आकर बोलता कि साबिर भाई ऐसा मामला है मेरी मदद करो, मुझे यकीन था कि साबिर भाई उसकी कुछ मदद कर देते। मगर ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, मजलिस उनसे मिली हुई है, मजलिस इनसे मिली हुई है। अरे हम किसी से मिले हुए नहीं है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से और वो कनेक्शन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तक है। और जिसका ये कनेक्शन होता है उसको कोई दुनिया की ताकत दौलत हिला नहीं सकती है।